डॉक्टर्स डे के उपलक्ष पर AM मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने कंसल्टेंट डॉक्टर GL दयाल, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर GL दयाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि ज्यादातर लोगों को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक सुबह के समय होते हैं? वैसे तो हार्ट अटैक देखिए किसी भी टाइम हो सकता है 24 घंटे में, लेकिन बहुत सारी रिसर्च की गई है, उसमें ये चीज देखने में आई है कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 दोपहर 12 बजे तक हार्ट अटैक के इंसिडेंस ज्यादा होते हैं बाकी दिन के कंपैरिजन में अगर अपन देखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से लाइफस्टाइल चॉइसेस मेरे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल नॉट ओनली योर हार्ट, आपके केवल हार्ट को ही नहीं पूरे और दूसरे ऑर्गन्स को, इवन आपके माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखती है। सबसे पहले डाइट है, तो अपन को एडेड शुगर्स अवॉइड करनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी और डालडा और मेयोनेज ये सब नहीं खाने चाहिए। अच्छे फैट्स होते हैं सनफ्लावर ऑयल, ये सब यूज करना चाहिए, ऑलिव ऑयल है। स्मोकिंग आदमी को नहीं करनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए हर आदमी को। आदमी को अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस अगर कम रहेगी, स्लीप आपकी सही रहेगी, नींद आपको सही आएगी, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी को और आपके हार्ट को हेल्दी रखे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के पीछे क्या वजह है, किन रीजन से ये होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जब अपन उठते हैं नींद से तो ये एक्टिवेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो अपनी हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, अपने ब्लड की क्लोटिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही स्मोकिंग करने की, स्मोकिंग से भी बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। एक क्लोट को पिघलाने वाला केमिकल होता है बॉडी में, बढ़ जाता है तो उससे ब्लड की क्लोटिंग की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, तो ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप मॉर्निंग हार्ट अटैक से कैसे बचाव कर सकते हैं? मॉर्निंग हार्ट अटैक से बचाव के तरीके हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में ये कॉमन होता है, तो उन्हें मेडिकेशंस प्रॉपर टाइम पे लें। रात की जो स्पेशली दवाइयां होती हैं हार्ट की, उनको लेने से नहीं चूकें, क्योंकि मॉर्निंग में 12 घंटे के बाद उन दवाइयों का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी चीज है कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, आदमी को जो हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा सुना है कि हार्ट की हेल्थ में स्लीपिंग पोजीशन का भी बड़ा रोल है, तो हमारे हार्ट के लिए कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे अच्छी है? जो पेशेंट्स ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट हैं, हार्ट का जो पंपिंग होती है वो अगर पुअर है, तो उन पेशेंट्स को यूजुअली राइट साइड में करवट लेके सोना चाहिए, ताकि उनका जो हार्ट है अपनी सही पोजीशन में रहे और उसका इलेक्ट्रिकल करंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बीमारी के कुछ साइंस होते हैं, तो दिल के दौरे के वार्निंग साइंस यानी चेतावनी संकेत क्या होते हैं? हार्ट अटैक के चेतावनी के संकेत देखिए, अगर अपन बात करें तो चेस्ट में एक टाइटपन महसूस होना, प्रेशर स्क्वीजिंग या फिर किसी ने जैसे वजन रख दिया वो छाती के ऊपर वैसा महसूस होना, और एक वेग सिम्टम होता है, पेन को लोकलाइज नहीं कर पाते हो, पूरी छाती में आपको महसूस होता है, आप पेन वहां से आपके जबड़े में जा सकता है, आपके बैक में जा सकता है, आपकी दोनों आर्म में जा सकता है, आपके घबराहट हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, और एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बोलते हैं अपन, सांस की तकलीफ महसूस हो सकती है, आदमी को उल्टी का मन कर सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि वार्निंग सिम्टम्स, अपन को सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि हार्ट पेशेंट्स को नमक के लिए मना किया जाता है या कम यूज करने को कहा जाता है, तो क्या नमक वास्तव में हम सभी के लिए और स्पेशली हृदय रोगियों के लिए हानिकारक है? देखिए, नमक शरीर के लिए बहुत जरूरी मिनरल है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में लिया जाए, इसको रिकमेंडेड जो अमाउंट है उससे ज्यादा में लिया जाए, तो ये सबके लिए ही हानिकारक होता है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। नॉर्मली अपन बात करें तो 5 ग्राम टेबल सॉल्ट के बराबर क्वांटिटी होती है, वो अपन को 24 घंटे में यूज करनी चाहिए। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कार्डिक फेलियर के पेशेंट हैं, उनको 1500 मिलीग्राम सोडियम जो कि 3 ग्राम नमक के बराबर होता है वो अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, डेफिनेटली वो अपन को हार्ट अटैक और अन्य बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर उनसे बचाती है।